हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कलरफिश एक्वेरियम शॉप पर, जहां पर आज हम बात करेंगे फ़िल्टर की। फ़िल्टर किस तरीके से चलाया जाता है एक्वेरियम में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास इस समय ब्लू पेट का फ़िल्टर है, नया फ़िल्टर आया, अच्छा फ़िल्टर है। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं फ़िल्टर किस तरीके से चलाया जाता है। तो सबसे पहले अगर फ़िल्टर आप ख़रीद के लाए हैं, तो यहाँ से जो है आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में फ़िल्टर आप निकालेंगे। ये फ़िल्टर इस तरीके से होता है, तो आप फ़िल्टर निकाल लीजिए। उसके बाद ये पन्नी आप निकाल दीजिए। उसके बाद में ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसको निकाल दीजिए। यहाँ पे आप पाइप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि ये यहाँ से भी खुलता है, ठीक है। ये यहाँ से भी खुल जाएगा। ये इस वजह से खुलता है कि आप जो है फॉर्म जो है किस तरह से जब आप एक्वेरियम में लगाएंगे, इसके अंदर गंदगी खींचेगा, तो आप किस तरीके से खोल सकते हैं। तो आप अगर ऐसे जो है खींचेंगे तो नहीं निकलेगा। तरीका क्या है वो आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे फंसा है, तो ठीक उसके अपोजिट जहाँ ये सेम है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ से दबाना है और इसको जो है तेज़ी से खींचना है, तो खुल जाएगा। इस तरीके से आपको खुलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप यहाँ से फिर बंद कर दीजिए। ये पाइप जो होती है, ये पाइप जो है इसका वर्क क्या है हम आपको बता दें। ये बाहर से ऑक्सीजन खींचेगा और ये यहाँ से निकालेगा। तो ये पाइप एक्वेरियम के बाहर रहेगी, जो एक्वेरियम में आप जब लगाएंगे तो ये पानी के बाहर रहेगा। और आपका फ़िल्टर ख़राब क्यों होता है ये भी हम आपको बता दें कि होता क्या है कि लोग जो है पानी में पूरा नहीं डुबाते हैं, लगभग इतना आधा ही डुबाते हैं। आधा डुबाने से क्या होता है हम आपको बता दें कि जब फ़िल्टर लगातार चलता रहता है, तो इसमें जो मोटर लगी हुई है अंदर से, वो हीट होती है। हीट होने की वजह से जो है मोटर जल जाती है। सबसे पहले कारण ये है, इस वजह से जो है फ़िल्टर ख़राब होता है। दूसरी वजह ये है कि ये फॉर्म में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, फॉर्म में पूरी तरीके से गंदगी भर जाती है, तो पानी जो है ऊपर नहीं खींच पाता है, उसके कारण भी मोटर जो है जल जाती है। ये सब बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फ़िल्टर कभी ख़राब नहीं होगा। हम आपको बता दें, अगर आप में एक्वेरियम में लगा रहे हैं फ़िल्टर, तो इतना देख रहे हैं जहाँ तक मेरा ये तार पकड़े हुए हैं, इतना पूरा आप जो है फ़िल्टर को पानी में डुबा के रखें, और ये पाइप जो है आप बाहर रखेंगे तो चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। फ़िल्टर का फॉर्म आप 10 दिन में 15 दिन में हो सकता है अगर आप धुल दें, तो एक्वेरियम आपका जो है बहुत अच्छा साफ भी रहेगा और फ़िल्टर भी अच्छा चलता रहे। चलिए फिर हम आपको एक बार चला के दिखाते हैं कि एक्वेरियम में किस तरह से फ़िल्टर चलता है। चलिए फिर फ़िल्टर हम आपको लगा के दिखाते हैं किस तरीके से चलाया जाता है। तो सबसे पहले इसको आपको पानी में डुबा देना है पूरी तरीके से। देखिए, यहाँ तक आप डुबा देंगे, उसके बाद यहाँ आप चिपका देंगे, और ये पानी जो है पाइप बाहर, ये प्लग जो है आप कहीं भी लगा देंगे। हमारे पास जो प्लग है उसमें लगा दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये फ़िल्टर चलने लगा, ठीक इसी प्रकार से चलेगा। जो है पानी बाहर ऊपर चलेगा तो जल जाता है, इसको पानी के अंदर ही पूरी तरीके से चलना चाहिए। ये ऐसा जो है फ़िल्टर हमेशा चलता रहेगा।